और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, स्विस बैंक्स में भारतीयों के जमा पैसों में गिरावट आई है। इस वक्त की देशित ब्रेकिंग, स्विस बैंक्स में जो पैसा जमा है उसमें गिरावट आई है। गुरुवार को स्विस नेशनल बैंक के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भारतीयों के जमा पैसों में 6% की गिरावट आई है। देशित ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो रकम है ये 6,757 करोड़ रुपए रह गई है। पिछले 2 दशकों में स्विस बैंकों में जमा पैसे का दूसरा ये सबसे निचला स्तर है। इस वक्त की देशित ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, इसका सीधा सीधा मतलब ये कि काला धन रखने का डर है अब। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता केंद्र सरकार के लिए, जो लगातार प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि काला धन किसी भी तरीके से उस पर शिकंजा कसा जा सके, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री ने G20 में इस बात को रखा था और उनकी कोशिश थी कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जिससे स्विस खातों में जो लोग हैं उनके कम से कम अकाउंट शेयर किए जा सकें, और इसकी सफलता 1 जनवरी 2018 को मिली थी, तब जब स्विस बैंक इस बात के लिए तैयार हुआ कि नाम नहीं लेकिन जो जो खातों में रकम है वो ज़रूर शेयर की जाएगी, और तब से शेयर की जा रही है। आज जो निकल कर आई है, अब इसका आप एक आंकलन करके देखिए कि 2006 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जो जमा रकम थी वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए थी, और आज आप सोचिए वो घटकर 6,500 यानी 6,500 लगभग करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। ये एक बड़ा फर्क है केंद्र सरकार की जो रणनीति है, जो नीतियां हैं कालाधन को उसके ऊपर शिकंजा कसने की, और मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। 2 दशक में सबसे नीचे, और इसमें सिर्फ स्विस बैंक में वही नहीं, जो भारत में भी उसकी ब्रांचेस हैं, ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो उन दोनों को मिलाकर के सामने आया है। राहुल, एक फिगर क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2006 में 23,000 करोड़ थी, वो अब 6,500 करोड़। बिल्कुल निश्चित तौर पर 2006 में 23,000 करोड़ और अब 6,757 करोड़। तो ये बड़ी गिरावट है राहुल, और काला धन रखना अब स्विस बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है, ये बहुत ही यहाँ पर साफ संदेश बाहर आता हुआ।